रविंद्र थोड़ा से भैया छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से हैं। मैं यहाँ के पीएसएमएनएस छत्रपति साहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। भैया ने उनका फर्स्ट वर्कशॉप अगस्त 2020 में किया था और तब से भैया कंटेंट को समझने का और जीने का प्रयास कर रहे हो। इसमें भैया बहुत सारी वॉलंटियर एक्टिविटीज में भैया काफ़ी सक्रिय है, जैसे अभी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसके लिए भी भैया वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। भैया वीडियो एडिटिंग टीम की भी मेंबर है, तो उसी तरह से जो हमारे ऑफलाइन वर्कशॉप होते हैं उसमें ऑब्जर्वर को फैसिलिटेटर। भैया जो हमारा जो कंटेंट ट्रांसलेशन रीजनल लैंग्वेज में हो रहा है उसमें मराठी ट्रांसलेशन टीम के भी भैया सदस्य हैं, और वेस्टर्न रीजन की जो वीकली मीटिंग होती है सैटरडे संडे उसमें भी भैया मॉडरेशन का भी काम करते हैं। उसी तरह से ऑनलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन और कॉलिंग का भी काम भैया करते हैं। तो भैया आपका स्वागत है ओवर टू यू। भैया ने मेरा संक्षिप्त परिचय रखा है, इसी को जोड़ के कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। मेरे फैमिली में मेरी वाइफ सोनाली, मेरा सन अद्वित, मेरी मदर कमल और मेरी बड़ी सिस्टर रंजना और उसका लड़का अनुराग, हम साथ में रहते हैं। उसके साथ साथ ये यूएचयू का जो कंटेंट है ये मैं अपने कॉलेज में SIP और UHU 2 में भी पढ़ाता हूँ। तो ये हुआ मेरे परिचय के बारे में। अब दूसरा जो पॉइंट है, अभ्यास 1 और 2 से क्या समझ बनी है, तो इसे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये समझ आता है या देख पाता हूँ कि निरंतरता में तृप्तिपूर्वक जीना हो पाए हमारा सबका या मेरा, उसके लिए समझना, देखना और ध्यान देना, ये 3 चीजें मुझे अभ्यास 1 और 2 में करने के रूप में मैं इसे देखता हूँ। समझना जीने के अर्थ में, देखना समझने के अर्थ में, और ध्यान देना देखने के अर्थ में। तो समझने के लिए कुल जो समझ है वो समग्र अस्तित्व से लेके है, और अस्तित्व में इकाई और शून्य, ये दोनों चीजें समझनी है। और इकाई को अगर देखूं तो मुझे जड़ और चैतन्य, ये दो चीजें समझ में आती है कि जड़ में मुझे शरीर को समझना है और चैतन्य में मुझे खुद को समझना है, और सह अस्तित्व यानी शून्य को समझना है। तो अभ्यास 1 में हमने या मैंने चैतन्य को समझने का प्रयास विस्तार रूप से किया है, और अभ्यास 2 में जड़ या शरीर को समझने का प्रयास किया है। और ये जो प्रयास है वो ब्लॉक B2 से B1 में परिमार्जन करने के लिए, या हम ये कहे कि सही समझ स्वयं से लेकर पूरे अस्तित्व तक सही भाव, सही विचार, संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को लेकर, और जो भागीदारी होगी वो व्यवहार कार्य और सही समझ में भागीदारी। तो ये पूरा अभ्यास 1 और 2 मुझे लगता है। तो अगर अभ्यास 1 के बारे में समझ की बात करें तो स्टेप 1 में हम ये देख पाते हैं कि जो कल्पनाशीलता चल रही है उसमें इच्छा, विचार, आशा चल रही है, और इसे बिना प्रतिक्रिया देखने का काम स्टेप 1 में हुआ है। और जब मैंने यहाँ पे देखा कि जो भाव चल रहे हैं वो भाव सही समझ के साथ भी है और मान्यता के साथ भी कुछ भाव बन रहे हैं, तो सही समझ के साथ अगर भाव बन रहे हैं तो वो संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व की तरफ मेरा भाव लेके जा रहे हैं, और जब मान्यता की या संवेदना के साथ कुछ भाव या इच्छा बन रही है तो वो मुझमें परेशानी या डिस्कम्फर्ट बना रहे। तो ये अभ्यास 1 में या स्टेप 1 में देखा। इसके साथ स्टेप 2 में इस क्षण मुझ में जो भाव चल रहे वो मुझे सह स्वीकार्य है या नहीं है, तो ये सही समझ के साथ होगा तो स्वीकार्य है, मान्यता संवेदना के साथ होगा तो अस्वीकार्य है, ये भी देख पाया। इस क्षण मुझ में जो भाव विचार चल रहे हैं स्टेप 3 में, इस भाव के साथ आराम में हूँ या संगीत में हूँ, तो
तो ये भी देख पाया कि संबंध व्यवस्था सही अस्तित्व के साथ जो विचार चल रहे हैं उसके साथ आराम में होता हो, बट जैसे ही मान्यता या संवेदना के सर पे ज्यादा जीना होता है तब मैं दुख में या परेशानी में आता हूँ। और जब स्टेप नंबर 4 में ये देख पाया कि मेरा जो भाव का मुझ में जो भाव चल रहे हैं उस भाव का चलाने का जो निर्णय है वो कौन ले रहा है, बाहरी परिस्थिति या स्वयं, तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि दूसरों से जो शिकायतें थी वो काफी हद तक कम हो पाई है, या अपने में परिमार्जन करने की जो चीज है या स्कोप है वो दिखाई दे रहा है। और ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह से शिकायत मुक्त हो चुका हूँ या पूरी तरह से परिमार्जन हो चुका है, बट अभी जो इरिटेशन होता है वो काफी हद तक कम हुआ है, या समझ पाता है कि ये जो विचार चल रहा है ये मान्यता और संवेदना के साथ है तो उसे ज्यादा देर नहीं चलाना है, ये समझ पा रहा हो। और स्टेप 5 में जब ये देखा कि मुझ में जो भाव विचार चल रहे हैं उसका निर्णय मैं किस आधार पे ले रहा हूँ, तो इसको जोड़कर एक एग्जाम्पल में आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब जून में मुझे PhD के प्रेजेंटेशन के लिए जाना था और 4-5 दिनों की छुट्टी लेनी थी, तो मेरा फैकल्टी एक कलीग था, उनको मैंने बताया था कि मुझे जाना है, और लास्ट दिन जब मुझे छुट्टी लेनी थी उसके पहले मैं HOD की तरफ गया साइन लेने के लिए छुट्टी के लिए, और वो फैकल्टी वही बैठी थी और तुरंत उन्होंने कह दिया HOD को, अरे सर इन्होंने तो ये काम नहीं किया है। और फिर वहां पे मुझ में थोड़ा सा इरिटेशन बना, और इरिटेशन बनने के साथ मैं वहां पे रिएक्ट हुआ, और ये देख पाया कि उस इरिटेशन के कारण कि मेरी मान्यता ये बन गई थी कि ये आदमी को मैंने बताया है कि मुझे PhD वर्क के लिए जाना है, फिर भी अभी मैं जब छुट्टी मांग रहा हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि ये वर्क करके आपको कंप्लीट करके जाना है, तो ये मुझे दिखाई दिया कि ये मेरी मान्यता थी कि मैंने उन्हें बताया है तो इन्हें समझना है, और उसी समझ के साथ इन्होंने मुझे समझ लेना है, और जो कुछ भी काम मेरे से रह गया है उसके बारे में उन्होंने नहीं पूछना है, तो ये मैं वहां पे देख पाया। और फिर उसके बाद तुरंत ही IIT कानपुर में UHV 3 का वर्कशॉप होने जा रहा था, तो उसके लिए भी मैंने इनरोल किया था, और जब उसके लिए जा रहा था तो सेम जो व्यक्ति था उसने मुझे टर्म वर्क के लिए या कुछ काम के लिए कहा, और मेरा वो काम पूरा नहीं हुआ था, तब मुझे इरिटेशन नहीं आया, मैं ये समझ पाया कि ये व्यवस्था का एक पार्ट है और इस व्यवस्था के साथ मुझे ये काम भी करना है और खुद में सही समझ में करने का भी काम करना है, तो मैं लीना दीदी के साथ या आरती दीदी के साथ हमने ट्रेन में ट्रैवल किया, और वहां पे मैंने ट्रेन में बैठ के वो काम कंप्लीट करके वो सबमिट किया, तो तब मैं ये देख पाया कि जो मान्यता हम बना लेते हैं कि दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होकर जो अपने में भाव चला लेते हैं और जिससे मेरा सुख और दुख दूसरों के ऊपर या परिस्थिति के ऊपर डिपेंड हो जाता है, तो वो काफी हद से मुझे वो रिलीफ मिला। और IIT कानपुर का जब वर्कशॉप हुआ उसके बाद तो ये देख पाया कि बहुत सारी चीजें अपने में ही चल रही है, और एक्सरसाइज 1 और 2 वहाँ ऑफलाइन में बहुत अच्छी तरह से मैं कर पाया। और स्टेप 5 में सबसे जरूरी चीज मुझे ये लग रही है कि अपने में सही समझ सुनिश्चित करने के लिए जो आवश्यकता है ये मुझे स्टेप 5 में साफ साफ नजर आ रही है। उसके बाद स्टेप 6 में जब देखते हैं कि कौन सा भाव मुझे सहज स्वीकार्य है, व्यवस्था या अव्यवस्था, सहअस्तित्व या संघर्ष, संबंध या विरोध, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व में जब मेरे भाव चलते हैं तब मैं आराम में होता हूँ, परेशानी नहीं होती है, इरिटेशन नहीं होते हैं, और जैसे ही मैं विरोध अव्यवस्था और संघर्ष का भाव चलाता हूँ तो वो इरिटेशन एंगर चलता है। और स्टेप 7 में ये मैं देख पाया
कि एक क्षण निर्णय पूर्वक अपने भाव को संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व के भाव के अर्थ में सुनिश्चित करके सुखी हो सकता हूँ या हो पाता हूँ, और इसे निरंतरता में अगर मैं करूँ, संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व के भाव को निरंतरता में अगर खुद में इंश्योर करूँ तो मैं निरंतरता में सुखी हो पाऊंगा। तो मैं स्टेप 1, 2 और 3 को एक साथ जोड़ के देख पाता हूँ, और स्टेप 4 को मुझे ऐसा लगता है कि स्टेप 4 पे बहुत सारी जो प्रभाव या सुख स्वभाव या प्रभाव है, तो ये स्टेप 4 में मुझे ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। और स्टेप 5 और 6 इनको मैं जोड़ के देख पाता हूँ कि जो कुछ भी मुझ में विचार चल रहे हैं वो अगर विरोध के हो या संबंध के है या विरोध के है, तो ये अगर मैं ठीक से स्टेप 5 या स्टेप 6 में ठीक से कर पाऊँ तो मैं स्टेप 7 को अपने में खुद ठीक ठीक कर पाऊंगा। तो ये पूरे अभ्यास से मैं खुद में संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व के सही भाव सही विचार को इंश्योर करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास इसलिए क्योंकि अभी भी पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि परिमार्जन नहीं हुआ है, और मुझे ये भी लगता है कि इसका कारण ये भी हो सकता है कि इसके लिए जितना समय हमें देना चाहिए या मुझे देना चाहिए वो मुझसे नहीं हो पा रहा है। ये मेजर कारण मुझे इसमें लग रहा है। और जब अभ्यास 2 के बारे में हम बात करते हैं तो मैं अभ्यास 2 में ये समझ पाया हूँ कि अभ्यास 2 में मुझे चैतन्य को देखना है, शरीर को देखना है, और शरीर और चैतन्य में जो आदान प्रदान हो रहा है उसे देखना है। और देखना देखना जो है वो दृष्टा भाव से होना चाहिए। दृष्टा भाव से अगर हो रहा है तो वो समझने के अर्थ में होगा, और वो अगर समझने के अर्थ में होगा तो जीना ठीक ठीक होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ध्यान देना है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है मेरे से, बट अगर ये 3 अभ्यास 2 और 1 ठीक से कर पाओ तो काफी हद तक संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व के साथ उस विचार को चला के ठीक ठीक जी पाऊंगा। स्टेप 1 में जो हमने मैं और शरीर के बीच में जो दो अलग अलग वास्तविकता है वो देखने का प्रयास किया, तो कुल मिला के अभ्यास 1, 2 में मैं शरीर और संवेदना ये तीनों चीजों को अलग अलग देख पा रहा हूँ, और संवेदना में मैं नहीं हूँ, बट संवेदना शरीर और मैं इन तीनों में जो आदान प्रदान हो रहा है उसे समझने का प्रयास ठीक ठीक हो पा रहा है, और शरीर का को जो संकेत देना है या किस संकेत को पढ़ना है इसका निर्णय मेरा होता है ये भी मैं देख पाया, क्योंकि उसके तुरंत बाद मैं ये कहूँगा कि अभी जयपुर राजस्थान में कूल कॉन्क्लेव हुआ था 31 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक, और वहां पे जब मैं गया तो मैंने एक चीज नोटिस की कि वहां पे जाने के बाद बहुत बड़ा बफे लगा था और बहुत सारी खाने की चीजें वहां पे थी। तो एक तो भाव ये था कि मुझे शरीर को ठीक रखना है तो बहुत ज्यादा नहीं खाना है, पर मैं ये भी देख पाया कि मैंने हर एक चीज को टेस्ट किया है, यानी जितनी भी चीजें थी वहां पे खाने के लिए हर एक चीज को थोड़ा 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 लेकर मैंने टेस्ट किया है, और उससे ये समझ पाया कि मेरा जीना अभी भी संवेदना में हो रहा है, कि मैं ये संवेदना में जीने के साथ ज्यादा एडिक्ट हो गया हूँ। हाँ, बट पहले ऐसा होता था कि संवेदना के साथ जीना भी होता था और उसके बाद समझ में भी नहीं आ रहा था, बट अभी ये समझ में आ रहा है कि संवेदना के साथ जीना हो रहा है। तो वो पूरे जर्नी में पूरे 3-4 दिन जो कुछ भी खाना था वो ठीक ठीक खा पाया, यानी जितनी आवश्यकता है उतनी, बट मैंने सब चीजों को टेस्ट किया, तो ये संवेदना के साथ जो जीना है वो मेरा अभी भी हो रहा है ये मैं देख पाया अभ्यास 2 के कारण। और बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है
इसका निर्णय निर्णय पूर्वक बढ़ना। तो ये जो खाने का एग्जाम्पल है, मुझे लगता है कि स्टेप 5 और स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6, ये तीनों जोड़ के मैं देख पाया। और जब प्रतिक्रिया पूर्वक परतंत्रता में जीना होता है, तो मुझे ऐसा लगा लगता है कि बहुत बार हम ऐसे, मुझे ऐसा लगता है कि रिएक्शन अगर निकली तो ही मेरी प्रतिक्रिया है। बट अभी ये भी मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर मैं संवेदना के साथ जीता हूँ तो मेरी कुछ चाहना बनती है, जैसे कि दूसरों से भाव पाने की चाहना, या मैं अगर ठीक से किसी से बर्ताव करूँ तो वो भी ठीक से मेरे से बर्ताव करे, ये चाहना। और उसके साथ साथ जो सेंसरी ऑर्गन है उससे सुखी होने की चाहना, ये बाह्य परिस्थिति के साथ संवेदना पूर्वक जीने के साथ मैं देख पाता हूँ, इसे जोड़ पाता हूँ। और जब मैं जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ, तब इस पूरे कह गई पूरे जो कुछ भी प्रतिक्रिया है या संवेदना है उससे मुक्त हो पाता हूँ। तो स्वभाव को मैं निश्चित भाव के रूप में देख पा रहा हूँ, और जो प्रभाव है उसे मैं संवेदना से प्रभावित होके जीने जीने को देख पा रहा हूँ। तो अभ्यास 1 और 2 से इन बातों पे स्पष्टता बनी है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी अपना आकलन है, आकलन में अगर करूँ कि किन स्टेप्स पे साफ साफ, यानी कितनी बातों पर साफ साफ मेरी स्पष्टता बनी है, तो 2-3 चीजें मुझ में मैं देख पा रहा हूँ कि दृष्टा भाव से देखने का काम निरंतरता में नहीं हो पा रहा है हर क्षण। उसके साथ साथ संवेदना या आशा के स्तर पर जीना मेरा ज्यादा हो रहा है, और समझना जीने के अर्थ में, देखना समझने के अर्थ में, और ध्यान देना देखने के अर्थ में, ये 3 जो काम है वो काफी हद तक हो पा रहे हैं, बट हर क्षण नहीं हो पा रहे। तो इतनी स्पष्टता में मुझे लग रहा है कि ये अभ्यास 1 और 2 से मुझ में बनी है। और जो शेयरिंग का पॉइंट नंबर 5 है, यदि सुख स्वभाव के रूप में दिखाई देता है तो उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्य कर रहे हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं भागीदार बनूं उतना जिम्मेदार और समझदार मैं बन पाऊंगा। तो मैं ये भी देख पाया कि जब मैं मॉर्निंग सेशन अटेंड करता हूँ रेगुलरली, या ऑफलाइन में वॉलेंटियरिंग करता हूँ, या कुछ यानी यूएचयू का काम करता हूँ, तब मैं आराम में रह पाता हूँ, या मुझ में संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व के जो विचार है वो ठीक ठीक चल पाते हैं। और जैसे ही मैं इससे दूर जाता हूँ तब मैं प्रभावित होना या संवेदना में जीना ये ज्यादा हो पाता है। तो ये बातें मैं देख पा रहा हूँ। उसके साथ साथ कमिटमेंट की अगर बात करें तो सही के समझने के लिए कितना समय लगा सकते हैं, तो मुझे ये लगता है कि हर दिन 2-3 घंटे तो देनी ही चाहिए, और मैं प्रयास करता हूँ उतना दू, और उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी कुछ करूँ स्वयं में, अपनी वर्तमान जिम्मेदारी के साथ साथ परस्पर सामाजिक भागीदारी के अर्थ में कितना समय निकाल सकते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कॉलेज में नैक का जो काम चल रहा है उसके कारण थोड़ा कम समय मिल रहा है, फिर भी मैं प्रयत्न पूर्वक समय निकालने की कोशिश करता हूँ। और आज की अगर शेयरिंग की बात करूँ तो प्रयत्न पूर्वक आज सवेरे 3 बजे मैं जगा, और 3 बजे से लेकर अब तक मैं पूरे हारमोनी के साथ बना हुआ हूँ। तो ये जो बातें हैं वो ये अभ्यास 1 और 2 से मैं समझ पाता हूँ कि मैं प्रयत्न पूर्वक सवेरे उठकर ये पूरी चीजें कर हारमोनी में रह पाता हूँ। तो ये अभ्यास 1 और 2 से मेरी समझ बनी है, और कमिटमेंट तो यही रहेगी कि जितना मैं भागीदारी करूँ उतनी मेरे समझ के लिए, और मैं जिम्मेदार बनूंगा, समझदार बनूंगा, तो उसी अर्थ में समझ के लिए भागीदार बनना है।
यही शुभकामना है, या मैं ये कहूंगा कि यही कामना के साथ, यही कमिटमेंट है कि इसके बाद जितना वॉलंटियरिंग कर पाऊँ उतना करूँ, इतना ही। और इसके साथ साथ मैं ग्रेटिट्यूड रखता हूँ जितने भी वॉलंटियर है या जितने भी हमारे मेंटर्स है जिन्होंने ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का हमें यानी एक विषय वस्तु दी है, जिसके कारण हम हमारा जीना कैसे हो रहा है उसे हम जांच पाए। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते सभी भैया। को। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मुझे एक ही पॉइंट बहुत अच्छा लगा आपका, आपने जो बफे का एग्जांपल दिया है कि आपने सारा टेस्ट किया ये बताया। तो भैया ये टेस्ट जो आप कर रहे थे सभी, आप चाहकर भी, ये कौन टेस्ट कर रहा था? मतलब आप टेस्ट रविंद्र भैया टेस्ट कर रहे थे क्या, और कोई टेस्ट कर रहा था? प्लीज, थैंक यू। भैया भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैंने टेस्ट किया तब मैं इसको जी समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरा जीना तब आशा के स्तर पे था। तो आशा ये जी बनी थी कि जितना बफे लगा है तो इसमें क्या टेस्ट है वो, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे चीजें थे जो मैंने कभी खाई नहीं या टेस्ट नहीं की, तो एक आशा बनी थी कि उसे टेस्ट तो करना ही है। तो ये आशा के स्तर पे जो जीना हो रहा है उसे मैं उस उदाहरण से ठीक ठीक देख पाया। जी, मतलब सेंसेशन जो है वो बॉडी से आ रहा था और टेस्ट करने वाला सेल्फ था, बराबर है? जी, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी चीजें थी भैया वहां पे बफे में कि जो मैंने कभी खाई हाँ नहीं थी, फिर भी मैं थोड़ी लेके वो टेस्ट किया मैंने। बिकॉज हाँ, हाँ बट खाना तो मैंने ठीक अपने पेट में जितना जाएगा उतना ही खाया है, बट सब चीजें मैंने बफे में टेस्ट की है। यस और यस, थैंक यू भैया। फोटो भी बहुत निकाले है भैया मैंने वो पूरे इसमें, और ये भी देखा है कि ये संवेदना के पार्ट है। और वही चीज मैं कानपुर में देख पाया कि आईआईटी कानपुर जब हम गए थे तो वहां पे इतने जी, फोटो या इतना कुछ नहीं किया, क्योंकि वहां पे यानी आशा तब भी आशा के स्तर पे जीना हुआ था, बट सही समझ के साथ मैं कहूंगा ज्यादा जीना हुआ और आशा के स्तर पे कम जीना हुआ। तो ये जो आशा के स्तर जी, पे साथ जीना और सही समझ के साथ जीना, तो ये इसमें दोनों अंतर जो है। चल रहे हैं उसके कारण अभी भी सुख और दुख जो है वो चल ही रहा है अभी, ऐसा मुझे लग रहा है। जी 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 बहुत ही बढ़िया एक्सप्लोरेशन जी आपके सारे, हम भी कुछ कुछ कर रहे हैं। नमस्ते रविंद्र भैया, धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, थैंक्स अ धन्यवाद। लॉट। जी, थैंक नमस्ते भैया। नमस्ते। एकदम बढ़िया शेयरिंग है। मैंने आपको 15 जनवरी जनवरी से देख रहा हूँ, और अभी तक का जो आपका एक्सप्लोरेशन है सही दिशा में जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। और दूसरी बात, तो आपने जो देखने का देख पा रहे हो वो बहुत ही बढ़िया देख पा रहे हो ऐसा मैं मुझे लग रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया आपको। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। जी, आप कौन से बैच से जुड़े मॉर्निंग सेशन में? 2021 जनवरी 2021। January 21। अच्छा, बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा। आपकी जर्नी बहुत अच्छे से सुनी मैंने, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत सिंसियरली, ईमानदारी से आपने पूरी बात को रखा और बहुत सिंसियरली आप अपने में काम कर रहे हैं, और उसकी जो उपलब्धि हो रही है उसके बारे में भी आपने बताया। तो ये जो एक्सरसाइज 1 और 2 के बिंदु भी आपने बहुत अच्छे से डिटेल में बताए, और आगे भी जैसा कि ना यात्रा लंबी है ये हम बात कहते ही हैं, और आगे आगे भी जो अपने गहरी मान्यताएं संस्कार जो हैं वो धीरे धीरे उभर के जब ऊपर आते हैं तो दिखते हैं, तो ये तो जर्नी तो कंटिन्यू करेंगे ही आई एम श्योर। वॉलंटियरिंग भी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आगे के लिए भी जो आपकी यात्रा अच्छे से चलती रहे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपने एक बात कही थी कि जितना आप करना चाह रहे हैं उतना आप समय नहीं दे पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने पहले भी शायद इंग्लिश सेशन में भी कहा और अक्सर हम लोग कहते हैं, जो मैंने नोटिस किया वो ये कि यदि हम एटलीस्ट शुरुआत में
या हो सके तो इवन बाद में, अगर हम डेली एक हाफ एन आवर भी निकाल कर अपने आप में आराम में बैठ के देखने का प्रयास करते हैं और दिन भर में अपने लिए रिमाइंडर रखते हैं, तो ये प्रोसेस और आसान हो जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली सिर्फ आधा घंटा देने की बात है, बाकी तो जो भी हम काम कर रहे हैं ना, जो भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, दूसरे के साथ व्यवहार में, पढ़ाते टाइम या जो भी हम दिन भर में कर रहे हैं, वो सब करते करते हम अपने में देख सकते हैं। तो उसके लिए अलग से फिर टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये होता है कि रिमाइंडर कुछ चाहिए होता है अपने को शुरुआत में, कि रिमाइंड करने के लिए। बट ये भी एक अंदर से एक अपना अपने आप में रिमाइंडर है कि जब हम हमारा भाव बिगड़ता है तो हमें एकदम से दिखता है कि भाव बिगड़ा यानी गड़बड़ हुई और मुझे दुख हुआ। वो दुख हम हटाना चाहते हैं, तो इस मोटिवेशन से हम लोग फिर अपने अंदर और ध्यान देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे सजगता बढ़ती है, तो जब भाव सही रहता है वो सब पे भी बहुत अच्छे से ध्यान जाता है। उसकी भी बात आपने कही, जब हम मॉर्निंग सेशन में जुड़े होते हैं या कोई वर्कशॉप में होते हैं, तब हो सकता है कि ये सही भाव जो है प्रभाव के कारण हो रहा है ना। बाहर वातावरण में या एनवायरनमेंट में, हमारा एनवायरनमेंट सिक्योर है, सब चीज अच्छा है, तो हमारा भाव सही रहता है। असल टेस्ट अपना तभी है जब हम बाहर लोगों के साथ व्यवहार में या ना काम करते हुए या रोजमर्रा के जीवन में हम जो जो काम करते हैं उसमें हमारा भाव कैसा रहता है, वो असल हमारा टेस्ट रहता है। तो अपने अंदर देखने की प्रक्रिया जारी रहे और हम छोटे छोटे अपने लिए रिमाइंडर बीच बीच में डाल दें, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें ये काम करना ही है साथ साथ में, जैसे जैसे हम सब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है और उसमें आप थोड़ा आपको सहूलियत हो पाएगी। बाकी तो आप अपने अंदर बहुत अच्छे से काम कर ही रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। जी दीदी धन्यवाद। आपको एक छोटा सा सवाल है, आप जो ब्लॉक की बात किया है B2 एंड B1, आप कभी जब B2 से B1 तक शुरू करते हैं, आपका भाव कैसा रहता है, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, थोड़ा बताएंगे? भैया यही देखता है कि अगर मैं किसी मानव के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ तो संबंध का भाव दिखता है और उसी के साथ मैं जी पाता हूँ। तो अगर विरोध आ रहा है, इसका मतलब मैं ब्लॉक नीचे के ब्लॉक में हूँ, ऊपर के ब्लॉक में नहीं हूँ। और अगर मैं संबंध देख पा रहा हूँ, इरिटेशन नहीं आ रहा है, तो फिर ऊपर के ब्लॉक से वो देखना हो पा रहा है, ऐसा खुद में देख पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। मेरा ये सवाल है कि आपने जो अभी बोला कि आप संबंध देख सक रहे हो और बोल सक रहे हो, भैया कभी भी मतलब कुछ हो, जैसे भी कोई भी हो, कोई भी हो, जैसे कि सामने वाला कुछ कर रहा है और आपका वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो तभी आप उस वक्त भी आपका मन में कैसे ख्याल आ, जो विचार आता है कि संबंध का, वो आ जाता है, या तो उस वक्त कैसे आप उसको लेते कहते हो आप जी भैया? कि तो हाँ मैंने जो कॉलेज का उदाहरण दिया था, तो पहले जब मुझे PhD जाना था, जो फैकल्टी ने विरोध किया था, तो मुझे ऐसे लगा कि इसे पता है और फिर भी ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे पता था मुझे जाना है PhD के लिए, और फिर भी जब मैं छुट्टी मांगने HOD के पास गया तो उन्होंने कहा कि इनका ये वर्क रह गया है। तो वहां पे इरिटेशन का कारण मुझे नजर आया कि मैंने ये प्री कंडीशनिंग की है कि मैंने इनको बताया है मुझे छुट्टी पे जाना है, PhD का इम्पोर्टेंट वर्क है, तो ये समझ जाएगी, ये नहीं कुछ बोलेगी। और अगर ये उसके बाद मैंने एनालिसिस किया कि वो आदमी अगर मेरे बारे में HOD को बता रहा है, इसका मतलब वो जो चीज है वो तो रह गई है, ये तो सत्य बात है, और दूसरी बात वो अपने में इंश्योर नहीं है कि ये आदमी ये काम कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा।
तो ये देखना देखने से आराम में आ गया। तो अगर ये नहीं देख पाता था तो वो इरिटेशन चलते ही रहता था कि ये व्यक्ति ने मेरे लिए, मुझे जब इम्पोर्टेंट काम करना था तब मेरे इम्पोर्टेंट काम में इसने अड़चन लाई है। तो अगर वो ये समझ पाया कि इसकी परेशानी का कारण ये है कि वो समझ रहा है कि ये नहीं हो पाएगा, तो ऐसा चीजों को सेटल कर पा रहा हूँ भैया अब तो, कि उस व्यक्ति या किसी के साथ संबंध से प्रस्तुत होता हूँ तब वो, मैं जो आशा रखता हूँ उस व्यक्ति के साथ या उस परिस्थिति के साथ, उसके कारण मुझ में दुख बढ़ रहा है, ये ठीक ठीक देख पा रहा हूँ भैया। भैया, जैसे कि आप इस क्षेत्र में आप उस व्यक्ति के सामने कि दोबारा आप जो आपने उससे उनके उनको जैसे पहले बता दिया था कि मैं जाऊंगा ऐसे ऐसे करूंगा बोल के, तो आप बाद में सोचे कि कभी कि मैं उस व्यक्ति को और कभी बताऊं ऐसे बात नहीं बताऊं या बताऊं, ऐसा सोच आपके मन में नहीं कैसे आ रहा या नहीं? जैसे कि मेरा नहीं बड़ा भाई, भैया, जैसे नहीं अगर भैया, मैं, हाँ जैसे कि मैं संबंध देख रहा हूँ, तो जैसे कि मेरा बड़ा भाई है छोटा भाई है, तो हम कुछ करें या कुछ अचीवमेंट हो या कुछ करने वाले तो बता देते हैं संबंध में। तो अभी मेरा ये सवाल है कि जैसे कि वो सामने वाला व्यक्ति की आपने पहले से बता दिया था, तो वो जाके एचओडी या किसी को पिंच मार दिया, तो हमें राइट। हमारा मन में दिखने के लिए मिला कि वो, मैंने क्योंकि उसे पहले बता दिया तो वो ऐसे जाके पहले से एचओडी और डीन को बता दिया, तो मेरे लिए एक अड़चन सा हो गया। तो यहाँ पे जो संबंध वाला चीज, जैसे कि बड़े भाई या छोटे भाई मेरा खुद के होते हैं तो हम उनको बोलते हैं तो वो कुछ नहीं, वो तो खुशी होते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, मगर यहाँ पे जो संबंध का टर्म आता है ना भैया, मैं ये नहीं समझ सक रहा हूँ, आप तो मेरा बात भैया समझे? हाँ जी, तो भैया मैं ये देख पा रहा हूँ कि जब कोई फेवरेबल सेंसेशन मुझे आता है, जैसा कि किसी व्यक्ति से ठीक ठीक भाव आया तब भी मैं आराम में रहूँ, और किसी से ठीक ठीक भाव नहीं आया तब भी मैं आराम में रहूँ, और ये कब होगा कि जब मेरे अंदर जो भाव चल रहे हैं उसका निर्णय मेरा हो। जैसे कि अगर मुझे छुट्टी पे जाना है तो ये छुट्टी पे जाने का निर्णय मेरा था, और जो कुछ भी काम था वो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी थी। इसके साथ अगर मैं प्रस्तुत होगा या किसी ने प्रशंसा भी की है तो वो प्रशंसा इस बात की कर रहा है कि मैंने जो बोला है या रखा है उस चीज की प्रशंसा हो रही है, ना कि मेरी। तो अगर वो चीज में मेरी प्रशंसा के रूप में अगर देखता हूँ तो फिर मैं प्रभावित होता हूँ। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी जो प्रशंसा की है या इसने जो कुछ भी कहा है ये इस विषय वस्तु के बारे में या इस पर्टिकुलर चीज के बारे में कहा, तब मैं आराम में आता हूँ भैया, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। भैया, ठीक है, थैंक यू भैया। शायद दीदी ठीक से बता पाए कि जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ। नहीं भैया, ये तो आपका एक्सपीरियंस है, आप अपना ही शेयर कर रहे हैं कि आप कैसे, मैं जी यही जानना चाहता था कि जैसे कि कोई अगर, ये तो मैं समझ सक रहा हूँ कि देखिए हम मुझको मेरा यार आपको आपका भाव नहीं बिगड़ना चाहिए कोई भी कुछ हो, तो बस मैं ये संबंध देखना चाह रहा था कि कोई जब मना कर देता है तो आप उनको दोबारा से वही बात फिर से पहले जाने से पहले बताते हैं या नहीं, यही संबंध रहता है, इसको संबंध बोलते हैं या किसको संबंध बोलते हैं, मैं ये फील करना चाह रहा था, क्योंकि हम तो किसी का बुराई नहीं चाहते हैं, कि हम क्यों यूज भी किया है, मतलब हम में इतना डेवलपमेंट सोच आ गया है ये तो हम जान सक रहे हैं, वो उसका जी जी मर्जी, उनको बोलने दीजिए, हमारा कुछ नहीं है, मगर हम में जो ऐसे भाव आ गया कि नहीं उनका मर्जी है बोलने दीजिए, तो ये तो संबंध से नहीं रह रहा है ना अभी, तो मैं ये फील करता है कि तो संबंध, क्योंकि हमारा मन में एक विचार आया कि नहीं इनको हम अगर पहले बोल देते हैं वो जाके पहले से ही। अशोक जी, मुझे लगता है कि रविंद्र जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि वो उन्होंने उनके दूसरे के हिसाब से सोच के देखा कि उनके लिए वो काम नहीं हो रहा था इसलिए उन्होंने कहा, और इनका भाव एकदम सही आ गया, तो आई थिंक काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके रविंद्र जी, है ना? मेरे मेरे में थोड़ा कमी है, मैं समझ नहीं सक रहा हूँ दीदी। इसके ऊपर फिर बात हो सकती है क्योंकि समय हाँ तो हो सकता है,
ऑलरेडी हाँ हाँ यस 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 दीदी, ओके थैंक यू। तो धन्यवाद सभी का।